छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में लोकसभा चुनाव के मतदान होने हैं। रायपुर लोकसभा के लिए बीजेपी से मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में हैं। आमने सामने हैं, इस सीट पर दोनों ही प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। जनता का मूड जानने के लिए बंसल न्यूज की टीम भी पहुंची और एक गन्ना जूस सेंटर पर लोगों से बातचीत की। गर्मी में ठंडे जूस का लुत्फ उठाते हुए लोगों से चुनावी जायके की बात की, सुनिए। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है और कुछ ही दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में पहले चरण में चुनाव होने हैं और ऐसे में किस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा है, जायका क्या है चुनावी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी की तपिश है और गर्मी की तपिश मिटाने के लिए गन्ने जूस का लोग सहारा ले रहे। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में गन्ने जूस की दुकान में लोग पहुँच रहे हैं और गन्ने जूस पी करके गिलासों का यहाँ पर बवंडर रख चुके हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। पाजी, गन्ना रस पिए हैं, कैसा लगा? गन्ना रस तो बहुत अच्छा लगा वीर जी, आप मौसम का तकाजा देख रहे हो। हाँ। मौसम की गर्मी और चुनावी गर्मी दोनों साथ ही लोगों पर प्रभाव डाल रही है। क्या कह रहे हैं इस बार चुनावी गर्मी? चुनावी गर्मी देखिए, चुनाव के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल जैसा माहौल अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो देश बहुत कुछ प्रभावित है इस समय और प्रभावित है। आप हर चीज़ से देखो, बेरोजगारी से बहुत प्रभावित है, हर चीज़ समस्याओं से ग्रस्त है। आप युवा देख रहे हो कि युवा बंदा बहुत परेशान चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार किसकी बारी है? देखिए, इस बार बारी और भारी जो रहेगा, परिवर्तन जरूर होगा सर, लोग परिवर्तन की तरफ, परिवर्तन हाँ इस बार देश में परिवर्तन होगा। और हम बीजेपी वाले तो कह रहे भैया 400 पार नहीं, 400 पार उनका तो कहना वही होता है, और 400 पार हो या 200 पार हो, लेकिन इस बार जनता परिवर्तन चाहेगी और सही और एजुकेटेड लोगों को ला करके अपने देश के विकास के लिए विकास को आगे बढ़ाना चाहेगी। हमारा मन भी यही है कि अच्छे लोग, अच्छी जनता और अच्छे लोगों को चुने ताकि देश विकास की तरफ अग्रसर हो, विकास की तरफ अग्रसर हो। साफ तौर पर कहने, क्या नाम भाई आपका? मेरा मुकेश। चश्मा एकदम गर्मी वाला चश्मा है? गर्मी वाला चश्मा, धूप से बच जाते हैं? धूप से हाँ बचाते हैं, क्यों नहीं बचाएगा। तो इस बार किसकी बारी लग रहा है चुनाव में? अब कहा तो किसी को भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो है पहले से इस बार इतना बेटर कर रहे हैं कि पूछो मत। क्योंकि देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ में भी बस्तर इलाके में उन्होंने भाषण दिया, मसूरू में उन्होंने भाषण दिया, तो उनकी जनसभा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पिछले बार से ज़्यादा इस बार कांग्रेस का थोड़ा पलड़ा भारी लग रहा है। अब देखा जाए क्या होता है न्यूज में। पक्का लग रहा है? पक्का नहीं है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो जनता ऊपर है ना। हम रायपुर का क्या हाल है? ब्रिजमोहन अग्रवाल की राजा विकास उपाध्याय, अब ब्रिजमोहन अग्रवाल की देखे तो पूरा उसके तरफ भी पूरा युवा है, और अगर विकास उपाध्याय की तरफ देखे तो उसकी तरफ भी पूरा युवा है। और अब के डेट में देखा जाए तो बुजुर्गों का नहीं, युवा का देश बनते जा रहे हैं हमारे भारत देश, हमारे छत्तीसगढ़ का। कहने मतलब इस बार विकास उपाध्याय जी जीत लगाएंगे? अब देखो, ब्रिजमोहन अग्रवाल भी है, विकास उपाध्याय भी है, अगर चार दोस्तों से मिलते हैं तो बीजेपी की तरफ चलते हैं, चार दोस्तों से मिलते हैं तो कांग्रेस की तरफ चलते हैं, तब देखा जाए। बराबर टक 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 टक्कर का मुकाबला है। नाम क्या बताइए ना? अरुण सोनकर। कब से भेज रहे हैं ये? हमको 10 साल हो गया। क्या लग रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल? छत्तीसगढ़ में चुनाव माहौल इस बार बीजेपी बीजेपी लग रहा है। गन्ने जूस का, गन्ने जूस का दुकान है और सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तरीके से लोगों में इस बार चुनावी जायका है। राजधानी रायपुर के ये स्पेशल रोड है। क्या नाम है आपका? संजय देवांगन। संजय देवांगन जी, देवांगन जी ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है चुनावी माहौल? बीजेपी बीजेपी का है बीजेपी भाई, इतना डेवलप किया, राम मंदिर लाया, और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए? हाँ बस राम मंदिर ला लिया, बस बीजेपी खड़ा हुआ। ब्रिजमोहन अग्रवाल की विकास बात है? ब्रिजमोहन अग्रवाल। क्या नाम आपका? सुरजीत दिया। सुरजीत दिया ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? चुनावी माहौल पूरा भाजपामय है, छत्तीसगढ़ का पूरा देश भाजपामय हो गया है, और जैसा सब नारा लगा रहे अब की बार 400 पार, हमको भी उम्मीद है 400 पार हो जाएगा और होना भी चाहिए। इस बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार? नहीं नहीं, कांग्रेस आर पार हो जाएगी, कहीं नहीं लगती, देश को बचाना है। क्या बोले? देश को बचाना है, भाजपा को लाना है। लाने से बच जाएगा? बच जाएगा। कैसे बचेगा? बस बचेगा, सबको पता है कैसा बचना है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तरक्की कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था। क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ। ठीक है, ये राजधानी रायपुर के पापाडी चौक का तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग गन्ना जूस पीने के लिए आते हैं। दादा का साफ तौर पर कहना है कि इस बार मोदी ही मोदी है। पाजियों का भी कहना है मोदी मोदी, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे, लेकिन देखने वाली बात रहेगी चुनाव की जो दिशा है
वो किस ओर जाता है? राहुल के साथ जिगर बंसल, न्यूज रायपुर, छत्तीसगढ़।